जोर लगाने लग रहे, इसका मतलब बोट्टा में भी पूरा जोर लगेगा। 100 रुपया की दिहाड़ी भी छोड़ रखी, 10 मत भी आ रहा था। अच्छा जी, पक्की बात है। देखो बहुत एनजी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, पंचायती चुनाव का माहौल चला हुआ है और ऐसे में माहौल में गांव मोठ के अंदर पहुंचे हैं, जहां पर जसवंत बिहाना जी एक समाज सेवी के रूप में लोगों को जानते राज करते हैं लोगों के दिल में। और जो ये महिलाएं हैं, ये वो महिला हैं जिनके दुख में काम आए थे जसवंत बिहाना जी। पूरी बात करेंगे और पूरा तय तक जाएंगे। तो ये बहुत जोर लगा के नारे लगा रही थी कि जसवंत बिहाना जिंदाबाद। तो ऐसे में ये दिलों से निकलती है आवाज़, और ऐसी जो आवाज़ निकलती है कहीं ना कहीं पार भी लगाती है। तो मैं आपको पहले ये पूछना चाहूँगा जी, आपका नाम क्या है? बहुत ही है जी। तो इतना जोर आप जो लगा रहे थे, मतलब क्या कारण है इसका, पहले ये बताओ। इसका कारण घना है जी, हमारा मन में जो तमन्ना आने में हमारी सारी पूरी होगी। हाँ, जसवंत जी को मतलब इतने, जैसे आप मतलब और भी चुनाव होते होंगे, इतना जोर तो पहले घर में भी नहीं लगाते होगे, बेटा खाना खा ले। लेकिन देखो जी, मारा दिल तो भी प्यार हार माम बना में प्यारा, मारा सारे काम में और काम धंधा में बीस कर। अच्छा, तो इतना जोर लगा क्या? एक बार और लगा दो नारे। ये देखो जो जोर लगाने लग रहे, इसका मतलब बोट्टा में भी पूरा जोर लगेगा। ठीक है नहीं है जी? एक मिनट रुको, मन्ने बोल लें दो थोड़ा, फिर मैं भी बुलाऊं। एक मिनट रुको, सुनते रहो जी, आपकी सुनूंगा मैम। भाई चेहरे से पता चल जाए सर, भाई वोट कितने दोगे और सपोर्ट कितना करेंगे। महिला इतनी शक्तिशाली है कि वोट भी और सपोर्ट भी सारा सौदा करेगी। तो भाई ऐसा हाँ जी, जमा करी मान साजी, 500 रुपया की दिहाड़ी भी छोड़ रखी, 10 मत भी आ रहा था। दिहाड़ी पता है कितने दाम दार में, वह भी छोड़ रहा था। हाँ, तब तक काम रह गया, फिर जोरे जोर लाने पर सामा में। अच्छा जी, हमारे जीरी आदमी पड़ी सा। कितने वोट से जिताओगे? हमें खूब जिताएंगे। कितने वोट से जिताओगे? खूब जमा, जितना जोर है जितना सारा लगा मिल के सब जमा। अच्छा जमा, सपोर्ट पूरी हमारी। अच्छा जी, जसवंत जी के बारे में ऐसा सुना है, जसवंत जी जो व्यक्ति है समाज से भी है और साथ में दुख की घड़ी में काम आने वाले व्यक्ति है। जब प्राकृतिक आपदा आई थी, ऐसे में उन लोगों के काम आए थे जिन लोगों में कि ना तो सरकार काम आई ना कोई काम आया, लेकिन जसवंत जी अपना ट्रैक्टर लेकर गए थे और जब गरीब लोगों की सहायता करी थी। यही बात है ना? बता दो ताड़ी फिर एक बार। हाँ जी, की लगता है जी आप नू किन्ने वोट पड़ेंगे जसवंत नू? बहुत ज्यादा पड़ेंगे, हम दिल जान से कह रहे हैं। अच्छा जी, बहुत ज्यादा वोट देंगे, सब सब उनको ही वोट देंगे। उसका टक्कर नहीं लगता जी, टक्कर तो लगती नहीं है ना, रही हो चक्कर में जसवंत की, नहीं कोई टक्कर में। ठीक है, ठीक है, राम राम जी। अच्छा, जसवंत को वोट देने का कारण क्या? जसवंत को वोट देने का कारण ये है जी, जसवंत सबसे प्यार रखता है। जसवंत है? हाँ, क्या बात है। जिसके घर नीचे है उसके ऊंचे उठवाने लग रहा है। जिसके घर में पानी नहीं उसके घर में पानी पहुँचाने लग रहा है। बात और है जी, बोलो। मेरा छोरा का बहू मिल जाओगा। क्या बात है, बड़ी बात है। यानी के अच्छा जी, देखो बहू ले आओ ना ले आओ, लेकिन मंगा का छोड़ूंगी सौकी पे। अच्छा थोड़ा सा, अच्छा ये बताओ जी, जसवंत जी आपके गांव में किस प्रकार की इमेज है, उनकी कैसी है इमेज? बहुत बढ़िया है जी। हाँ, सबके लिए अच्छा सारा काम करते हैं जी। हाँ, सबकी सुनाई करते हैं जी। अच्छा,
सबको जितना पानी था सबको निकाला, इतना किश्तियों के साथ निकाला उसको, बंदों को, छोटे छोटे बच्चे भी डूब गए थे, बंदों जितना पानी था जी, सबकी समस्या इतनी थी नहीं, अभी पानी चढ़ा है, सबको समस्या हल करी उसने। अच्छा। किसी गांव वाले ने नहीं करी, कितना बड़ा बहुत जिम्मेदार पड़ा, पैसों वाला पड़ा, किसी ने नहीं करी। चाचा जसवंत ने ही करी है किसी की, इसकी चाचा जसवंत जिंदाबाद। अच्छा जी इधर आ जाओ, आज इधर आओ, एक महीना खाना दाना राशन सारा। हाँ जी, सबको जितना था दोबारा उस समय, कोई काम है कोई नहीं आएगा, फिर वोट कितनी दोगे? 10-50 जी, सपोर्ट भी करांगे, वोट भी देवांगे, जोर भी लगावांगे। रुक जो आप लेडीज हो, हाँ जी, अगर आपका दिल में नूह है भाई जसवंत बढ़िया आदमी है, ईमानदार है, तो आपने खुद जसवंत मरना का और खुद लोगों के पास जाना पड़ेगा, ये नहीं कहना पड़ेगा भी जसवंत जाऊंगा, आपने खुद जाना पड़ेगा, खुद वोट मांगने पड़ेंगे, तो क्या लगा जी जिताओगे? हाँ पक्का जी, जिताओगे? हाँ जी पक्का जी। कितने वोटों से जिताओगे माता जी? जितना जोर है उतना ही लावांगे। अच्छा हाँ जी। अच्छा वोट कितने हैं तुम्हारे गाँव च? टोटल वोट कितने हैं? किसी को भी नहीं, पढ़ी पढ़ी लिखी महिला हो आप बताओ? 2,500 इधर आओ आप, कितने जी? कम से कम 2,500 है। 2,500 है जी, क्या लगता है जी जसवंत जी को आप कितने वोट दोगे? जसवंत जी को कितने वोट दोगे आप जी? वोट से कितने आओ बस, जितना जसवंत सरपंच चाहिए। नहीं फिर भी अपना जो आप ताकत लगाने लग रहे हो, और आपको पता है जितने बड़े आंदोलन है, जितने बड़े प्रदर्शन है, जिसमें ज्यादा महिला की भागीदारी होती है वो जीतता है, और यहाँ पर महिला की भागीदारी बहुत बढ़िया है। देखो जी सोनिया, देखो जी वोट तो एक वोट की भी जीत हो है, वोटा की कोई गिनती को नहीं, लेकिन जीतना सरपंच जसवंत बयाना चाहिए। अर्जी 15 दिन से साए मरेगा यामी। अच्छा। 15 दिन से साए। अच्छा। और लुहारी तो पानी जाए। अच्छा। और मैं मजरपो तो पानी जाए जी, यामी तो साए मरेगा यार, ना पानी नहीं मिला, जसवंत ने पानी पियाया। बोलो सारे सारे बोलो, जसवंत ने पानी पिया। देखो देखो इंसान की परख तब होती है, एक मिनट रुक जाओ तुम्हारी सबकी सुनूंगा, एक मिनट रुको, ताई रुक जाए, तेरे पे पूछूंगा जाएगा। इंसान की परख तब होती है जब वो दुखी घड़ी में काम आए, और जसवंत का गांव के अंदर ऐसा ही रसूख है, जब प्राकृतिक आपदा पड़ी थी तो लोगों के काम आए, पीने का पानी नहीं था, राशन नहीं था, घरों में पानी भरा हुआ था, ऐसे में खुद का ट्रैक्टर लीज भी हो गया था, सीज हो गया था, जिससे वो ट्रैक्टर खराब है, दूसरा ट्रैक्टर लेके गए और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया, फिर उनके लिए राशन की व्यवस्था की, और ऐसे में पानी के लिए जो बढ़िया पानी था बाहर दूसरी जगह से लेके आए। हाँ ताई जी बताओ। हाँ मैं और दो लड़के दो लड़के, सारा काम पानी पिया, और पहला 15 साल रहा सरपंच, मारी जमा नहीं सुनाई करी, पहले भी सरपंच और पहला भी जसवंत, ये दूसरा, और मारी जमा सुनाई नहीं करी जी, हम एक बार गए थे और पानी लाया हमारा पीने का, पहले ना सरपंच तो दुखी हो रहे हो? हाँ दुखी हो रहे, दुखी हो रहे हम तो। हाँ। चोट बढ़िया लगानी है इनका, बढ़िया लगावांगे जी, बर्फ लगा के ना दिल तो खूब लगावांगे हम। हाँ जी हाँ, अगर हम बैठोगे ना पूछ मांगेंगे। न्यूज के साथ बने रहिए, आप ये देख सकते हैं महिलाओं के साथ ये बात जरूरी करनी पड़ती है, क्योंकि महिलाएं घर में रहती है, हर समय रहती है, घर को संभालती है, तो उनको हर समय की जो स्थिति है उसको पता होता है, तो ऐसे में गांव के अंदर जो स्थिति पैदा हुई थी उसमें जसवंत जी ने साथ दिया था। जसवंत जी से बात करेंगे और जो महिलाएं हैं इनके साथ खड़े होकर बात करेंगे, बने रहिए।